पिछले हफ्ते पुंछ में एक अटैक के वाकये में हुकाम ने पीर को बताया कि कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है। पुंछ के कई इलाकों में तेजी से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 40 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें मुलव्वस अस्करत पसंदों के सुराग लगाने के लिए इस वक्त एक बड़े ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक अस्करत पसंदी हमले के दौरान इनकी गाड़ी में आग लगने से 5 फौजी अहलकार हलाक और 6 शदीद जख्मी हो गया था। ख्याल किया जाता है कि एक स्नाइपर ने फौजी ट्रक को सामने से निशाना बनाया और इसके बाद इसके साथियों ने गोलियां बरसाना शुरू की और इन्होंने मजीद कहा कि मुखालिफ सिमतों से इस पर दस्ती बम फेंके गए जिससे बजाहिर फौजियों को जवाबी कार्रवाई का वक्त नहीं मिला। हुकाम ने कहा कि अस्करत पसंदों ने स्टील की बुनियादी गोलियों का इस्तेमाल किया जो बख्तरबंद डाल में घुस सकती है। इन्होंने मजीद कहा कि फरार होने से पहले अस्करत पसंदों ने फौजियों के असला और गोला बारूद भी चुरा लिए थे। इन्होंने कहा कि गोलियों के 50 निशाना ट्रक पे मौजूद है। अस्करत पसंद हमले के बाद बिम्बर गली को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए रोक दिया गया था। पुंछ रोड को इतवार को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फौज के शुमाली कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अपिंदर द्विवेदी ने इतवार को कहा कि इस मौलिक हमले के जिम्मेदार अस्करत पसंदों को पकड़ने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है।